हेलो दोस्तों, दादी माँ का प्यार भरा नमस्कार। दादी माँ अच्छी है, आशा करती है आप भी अच्छे होंगे। और ये देखो, हम तीसरे दिन भी हमारे पौधों को बारिश की जो अमृत मिल रहा है, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा। ये कई लोग कहते हैं हमारे पास जगह नहीं है, जगह नहीं है, जगह का ओनर होते हैं। तो ये देखो, मैंने सीढ़ियों पे भी प्लांट लगाए हुए हैं, खूबसूरत। ये वॉन्ड्रिंग जो मैंने अभी लगाई थी पॉथोस, और ये एक सुंदर सा फूल भी खिला है पर्सलिन का, ये सरप की बोतल में। इधर भी ये मनी प्लांट, ये देखो कितने सुंदर पत्ते वाले फूल हैं। और इसमें बारिश का पानी हटा दें, डफन देखिए कि पत्तियाँ कितनी सुंदर हो गई हैं और ग्रोथ भी अच्छे कर रही हैं। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, देखो दिल्ली में लगातार 3 दिन से बारिश आ रही है, और बारिश आ रही है तो कुछ पौधे तो हम मनी प्लांट के बाहर निकाल कर रख देते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको हम बाहर नहीं निकाल सकते। तो हम ये बारिश का पानी ऐसे स्टोर कर लेते हैं, और अंदर इंडोर वाले प्लांट, जैसे ये हमारे इंडोर वाले प्लांट इतने घने फैले हुए हैं, तो हम इनमें पानी देने के लिए स्टोर कर लेते हैं। और वैसे भी मैं बड़ी कैन में एक स्टोर करके रख लूँगी पानी को, तो ये बारिश का पानी ख़राब नहीं होता और पौधों के लिए अमृत सिद्ध होता है। हेलो दोस्तों, दादी माँ का प्यार भरा नमस्कार। आज दिल्ली में तीसरे दिन भी लगातार बारिश है, और बारिश होने के बाद पौधे एकदम बहुत ज़्यादा हरे भरे और जंगल जैसे हो गए हैं। ये देखो, मेरी वॉन्ड्रिंग जूम भी सूख गई थी, लेकिन फिर भी कितनी अच्छी फूट गई है। इधर लिली के भी 3-4 फूल खिले स्टार की तरह। ये तो पूरा फैला ही हुआ है, इसकी अब हम थोड़ी सी कटिंग कर देंगे। और ये इधर देखिए, सामने देखिए पर्पल हार्ट्स में, ये पर्पल हार्ट इसलिए इसका नाम बना है, इसमें देखो हार्ट जैसे छोटे छोटे फूल आते हैं, और ये पर्पल रंग का है इसलिए इसका नाम पर्पल हार्ट पड़ा है। और ये वॉन्ड्रिंग जी को तो पूछो ही मत। ये देखो ऊपर से नीचे तक कैसे फैली हुई है, अपने गमले को छोड़ के दूसरे गमलों में भी पूरा अधिकार जमा रही है। ये हमारे सारे कॉलियस के पौधे सूख गए थे, और अब हमने कटिंग लगाई है तो कटिंग बढ़ने लगी है। और दोस्तों देखो, ये गुलाब में को फूल आ जाते हैं, आप भी गुलाब के शौकीन हैं तो ये गुलाब के फूल सूखने के बाद अवश्य हटा दें, क्योंकि 2-3 दिन से बारिश आ रही थी तो ऊपर चढ़ नहीं रहे थे हम। ये मैंने सूखे फूल हटा दिए हैं, और इधर से भी देखो सारे पौधे, ये मधुमालती को पूरा तोरी की बेल ने कवर कर लिया है। इधर ये मेरा अलमांडा में देखो सुंदर सुंदर पीले फूल आए हैं और बहुत खुश हैं। और इधर तो देखो ज़रा, ये मेरा सदाबहार, ये कितना रानी कलर का, कितना खुश हो रहा है ये मेरा अनार का पौधा कलियों से फूलों से भर गया है। और ये सामने कलरफुल नौ बज गए, बारिश खुलने के बाद ये अपने आप में बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये देखो सफ़ेद कलर का है, सफ़ेद, मरजेंटा, डबल पिंक, येलो, और ये पीला कलर के पर्सलिन खिले हुए हैं यहाँ पे। इधर भी इसमें एक तुलसी भी छोटी सी उग गई है, और इधर पिंक कलर के और येलो कलर के इसमें फूल आने लगा है मिर्ची में। और इधर तो देखो दोस्तों, इधर तो देखो ये मधुमक्खियों को अट्रैक्शन करते हैं ये फूल। देखो मधुमक्खी कैसे इसका वो कर रही है। और इधर ये मेरी पर्सलिन ऑरेंज कलर की, ये देखो इधर भी फूल खिले हुए खूब सुंदर सुंदर।
और इधर ये मेरी घिया की बेल कैसे बढ़ने लगी है, आज इनको हम बांधेंगे। और इधर इधर भी मेरी ये घिया की बेल ऊपर बढ़ने लगी है। ये मैक्सिकन पेटूनिया में फूल आके सूख गया है। ये बंदर बाबा आए होंगे तो कुछ खाने को नहीं मिला तो गमला ही लुढ़का के चले गए हैं। इधर से सफ़ेद सदाबहार और ये मर्जेंटा, ये देखो सावन का महीना है, सबसे ज़्यादा आजकल शिव जी को जो पसंद है हमारे शंभू भोलेनाथ को, तो ये है सफ़ेद आँख का फूल। और इधर मोतिये को भी ये देखो बच्चे तोड़ ले जाते हैं तो ये हटाते नहीं, जब भी मोतिये तोड़ लो तो ये फूल के ऊपर से पंचिंग अवश्य कर दे दोस्तों, क्योंकि ये पंचिंग करोगे तो ही आप दूसरी फूल इसमें पाएंगे। ये बोगनविलिया थोड़े से वो हो जाते हैं क्योंकि ज़्यादा पानी की इनको आवश्यकता नहीं होती है। तो ये इधर सफ़ेद चंपा ये देखो, ये सफ़ेद रंग की चंपा खिली हुई है। ये मेरा गार्डन का व्यू, ऊपर से देखो कि तोरी की बेल तो ऐसे फैली हुई है जैसे पूरा जंगल बन गया हो। इन बेलों को भी आज हम सपोर्ट देंगे क्योंकि ये काफ़ी बढ़ने लगी है और इन्होंने पूरा पौधा कवर कर लिया है। ये मेरा गुलाब का पौधा सूख गया था तो इसमें अपराजिता की बेल अपने आप उग गई है और काफ़ी बड़ी हो गई है। और ये तो आप शायद खरपतवार सोचकर उखाड़ ही देते होंगे, मैं कई बार बताती हूँ ये भूमि आंवला औषधियों का बड़ा भंडार है। ये पेट के लिए रामबाण औषध है और लीवर जिसका ख़राब है अगर वो सुबह सुबह इसकी पत्तियों का जूस थोड़ा सा निकाल के पी ले 20 से 25 ml डेली तो उसका लीवर बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगा। सभी गमलों में ये कुल्फा उग गया है, आज शाम को इनकी हम नलाई करेंगे। कुल्फे के पराठे बहुत अच्छे बनते हैं और ये भी एक हेल्थी फूड है और आपकी हड्डियों को बहुत मजबूत करता है। इनसे तो गार्डन की शोभा ही अलग से होती है। सभी कलर के हैं मेरे पास, ये 7 कलर के हैं। पिंक कलर है नंबर 1, नंबर 2 येलो कलर, नंबर 3 सफ़ेद, नंबर 4 पर्पल, नंबर 5 है ये डबल पिंक, ये वाला ये डबल पिंक है, वाइट मर्जेंटा। इधर ये हमारी बेल चढ़ रही है अल्मा टिकोमा की, इधर भी टिकोमा लगाया मैंने और इधर भी, इधर से भी टिकोमा लगाया, ये दोनों तरफ से टिकोमा इसको पूरा कवर कर लेगी।